वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिटा में कब देखने मिलेगा। ऑल्सो गाइस इसकी रिलीज डेट क्या आने वाली है एंड ये कब तक स्टार्ट होगा एंड ये कब तक रिलीज होने वाला है जापान में, तो इसकी सारी की सारी अपडेट मैं तुम लोग बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना बिकॉज गाइस तुम लोग सारी की सारी अपडेट जानने को मिलेगी रिगार्डिंग टू पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिटा आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना एंड गाइस अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड पोकेमोन जर्नीज के आने वाले एपिसोड देखने के लिए बिल्कुल हिंदी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना एंड गाइस बिना जाए के कर देते आज की ऑसम वीडियो को स्टार्ट। एंड गाइस जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि पोकेमोन जर्नीज का बहुत ज्यादा जल्दी एंड होने वाला है एंड पोकेमोन जर्नीज के बाद हमें जो पोकेमोन का नेक्स्ट सीजन देखने मिलेगा वो होगा पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट, ये हमें बहुत ज्यादा जल्दी देखने मिलने वाला है। बिकॉज गाइस अगर बात कर लेते इसकी रिलीज डेट के बारे में जो मुझे जानने को मिली है मेरी सोर्सेज की तरफ से, पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिटा में देखने मिल सकता है नवंबर के अंदर अंदर देखने मिल सकता है। बिकॉज गाइस अगर हमें पोकेमोन जर्नीज का लास्ट एपिसोड देखने मिल जाता है नवंबर के अंदर अंदर, तो हमें पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट का फर्स्ट एपिसोड देखने मिल जाएगा, यानी कि देखने मिल जाएगा नवंबर के अंदर अंदर देखने मिल जाएगा। बिकॉज गाइस ये जो मैं तुम लोग इसकी रिलीज डेट बता रहा हूँ पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट की, ये मुझे जानने को मिली है मेरी सोर्स की तरफ से एंड इस न्यूज के, यानी कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट के नवंबर के आने में नवंबर के अंदर अंदर आने में जितने चांस है पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट के 80% चांस है कि ये हमें नवंबर के अंदर अंदर देखने को मिले जापान के अंदर रिलीज हो जाए एंड उसके बाद जो हो सकता है ये हमें पोकेमोन का किसी यूट्यूब चैनल पर देखने मिले एंड जो इसकी नेक्स्ट रिलीज डेट हो सकती है पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट की नेक्स्ट रिलीज डेट हो सकती है पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट हो सकता है कि हमें देखने मिल सकती है न्यू ईयर पर भी देखने मिल सकती है, यानी कि 2023 के स्टार्टिंग साल तक हो सकता है कि हमें पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट देखने मिल सकती है। बिकॉज गाइस हो सकता है कि पोकेमोन की ऑफिशियल कंपनी हमें कोई सरप्राइज भी दे सकती है, यानी कि न्यू ईयर सरप्राइज भी दे सकती है, इसलिए हमें लग भी रहा है कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट हमें 2023 के स्टार्टिंग तक भी देखने मिल सकती है एंड इसके जो चांस है 2023 के स्टार्टिंग में आने के, यानी कि इसके 20% चांस है ये 2023 के आने में, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर अंदर आ जाए एंड इसके जो ज्यादा चांस हमें लग रहे हैं पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट के आने के, पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट के जितने भी ज्यादा चांस लग रहे हैं पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट हमें नवंबर के अंदर देखने मिल सकती है एंड अगर पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट हमें नवंबर तक देखने नहीं मिलती तो ये हमें दिसंबर तक देखने में मिल जाएगी। इसके तो यानी कि कंफर्म चांस है कि पोकेमोन स्कारलेट एंड वोलिट नवंबर या दिसंबर तक देखने मिल जाएगी, अगर तब भी नहीं आती तो ये हमें न्यू ईयर पर देखने में मिल जाएगी एंड गाइस यही थी जो लीजेंड मैंने तुम लोग बतानी थी एंड ये लीजिए बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद एंड सोर्सेज के जानने के बाद मुझे जानने को मिली थी। तो ऐसी और अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं तुम लोग मिलूंगा ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।